बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मी पिज्जा बनाइए पिज्जा बनाइए, तो हम आज पिज्जा बनाएंगे भी और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजना, संजना की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा, और ये पिज्ज़ा जो है दो तरह का पिज्ज़ा बनाने जा रही हूँ। ये आप बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, घर का एकदम शुद्ध देसी पिज्ज़ा खाने को मिलेगा और बच्चे भी काफ़ी खुश रहेंगे। आप जब चाहें तब बना के खिला सकते हैं उनको। तो हम रेसिपी बनाना शुरू करें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो हमारे अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पिज्ज़ा की रेसिपी। तो हम सिंपल पिज्ज़ा बना रहे हैं और सिंपल पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने ये पिज्ज़ा बेस लिया है, ये आपको कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हम पिज्जा बेस पे डालेंगे पिज्जा सॉस, पिज्जा सॉस एकदम अच्छे से डालना है और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है, अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेना है। पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही इसमें डालेंगे ऑरिगैनो, और ये दोनों चीज जो है आसानी से आपको दुकान में मिल जाएगा, घर के आसपास जो दुकान है उसमें ही मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस पे डालेंगे चीज। तो ये हो गया है और चलिए अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो बेक करने के लिए हमारे पास ओवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो आपके घर में अगर कोई भी पुराना कढ़ाई हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और उस कढ़ाई में हम नमक डाल देंगे, और मेरे पास ये पहले से यूज किया हुआ नमक है तो इसको हम डाल दिए हैं इसमें, और इसको हम गर्म होने देंगे, नमक को हम गर्म होने देंगे। तो नमक जो है गर्म हो गया हुआ है और इसमें हम ऐसा कुछ स्टैंड डाल देंगे, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप एक प्लेट डाल सकते हैं छोटा सा, और इसके ऊपर हम एक प्लेट डाल देंगे और उसके ऊपर हम पिज्ज़ा डाल देंगे और इसको ढक देंगे, और ढक के इसको 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। 15 मिनट हो गया है और ये देखिए चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और आइए हम देखते हैं। तो ये देखिए पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको हम सावधानी से निकाल लेंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है, प्लेट भी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, तो सावधानी से निकालिएगा नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ये देखिए पिज्ज़ा जो है मस्त एकदम बन गया है, तो इसको हम पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे। तो ये देखिए पिज्जा बनकर बिल्कुल रेडी है, और एंजॉय कीजिए चीजी पिज्जा का। तो चलिए हम दूसरा पिज्जा बना लेते हैं। इस पिज्जा में हम थोड़ा सा सब्जी यूज करेंगे, तो इस पे हम डालेंगे सॉस, इसको पूरे पिज्जा पे बराबर से फैला देंगे। देखिए ये हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स, इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इसको हम बराबर से फैला देंगे। तो ये देखिए सब्जी जो है हमने इसमें डाल दिया है, और अपने पसंद का वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल के बना सकते हैं। और इस पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, जितना स्पाइसी करना है उतना आप चिली फ्लेक्स डालिए, और इस पे डाल देंगे ऑरिगैनो, और अब इसके ऊपर से डाल देंगे चीज। तो ये देखिए चीज जो है डला गया है इस पे, और इसको हम बेक कर लेंगे। अब सेम तरीके से इसको हम बेक कर लेंगे। तो नमक जो है पहले से गर्म ही है, तो पिज्जा को हम सावधानी से इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे, और ढक के इसको भी 15
15 से 20 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए, ये भी पिज्जा जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको अब हम सावधानी से निकाल लेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो इसको अब हम पिज्जा कटर से काट लेंगे। ये देखिए कट गया है, इसको एंजॉय कीजिए गरम गरम पिज्जा का। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस तरह से जरूर बनाइए और खाइए। तो गर्मा गर्म मजा लीजिए पिज्जा का, एक बार इस तरह से आप पिज्जा बना के जरूर खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।